हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और ये भी एक मिसिंग पेट के बारे में ही वीडियो है। और जैसे मैं हर वक्त कोई नया वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के साथ में, अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी मिसिंग पेट्स के बारे में जानकारी हो। तो आज का ये वीडियो रहने वाला है एक मेल मिसिंग कैट के बारे में, जो कि मुझे वाशी मुंबई से कॉन्टैक्ट किया गया था उसमें, और बताया गया था कि ये मिसिंग है 11 सितंबर से। और काफ़ी उन्होंने ढूंढा था, जैसे हर टाइम मैं बताती हूँ कि आपने क्या उसे ढूंढा, सर्च किया, क्या कुछ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बात करने के बाद में ही मैं सेशन के लिए रेडी होती हूँ, क्योंकि हर वक्त कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और काफ़ी सारे मेरे पास केसेस ऐसे हैं जब पेरेंट्स मुझे कनेक्ट करते हैं कि आप मेरे पेट से कनेक्ट कर लीजिएगा, वो मिसिंग है, लेकिन मैं उन्हें कुछ टाइम रुकने के लिए बोल देती हूँ और कुछ घंटे में ही वो पेट वापस आ जाते हैं। तो आज का भी ये एक्सपीरियंस बहुत आप लोगों को खूबसूरत लगेगा, और बहुत सारी अलग चीज़ें हैं इसमें कि हमारे पेट्स की दुनिया कैसे होती है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का आइकॉन क्लिक करना है, बाकी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है दी एम्प्रेस के, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे भी आपको फॉलो जरूर करना है, क्योंकि वहां पे भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या हुआ था। मेरे पास केस आई थी कि फिनिक्स, जो कि एक मेल कैट है, और वो 3 दिन से मिसिंग है। पता नहीं कहाँ पे चला गया, क्यों चला गया, क्या हो गया, क्या वो किसी परेशानी में है, क्या उसे कोई मदद की ज़रूरत है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी उन्हें ढूंढा, आवाज़ दी, उसके खाने की चीज़ लेके गए, लेकिन उसका कहीं पे भी कुछ पता नहीं चला। उसके बाद में उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था कि ये मिसिंग है। ऐसे ही मैंने फिनिक्स, उसका नाम है मेल कैट का, तो मैंने जैसे ही फिनिक्स को कनेक्ट किया, मुझे जैसे एक सूखी जमीन दिखाई दे रही है, सूखा हुआ पीले रंग का घास आसपास दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉयन मस्त होके चलता जा रहा है, आगे बढ़ता आ रहा है। यानी वो अपनी गर्दन जो है इधर उधर घुमा रहा है, यानी उसके जो बाल है चेहरे के, जो उसके लंबे लंबे जो बाल है वो इधर उधर घुमा रहा है, जैसे वो उसे एंजॉय कर रहा है और अपने ही धुन में वो चला रहा है। बहुत देर तक मुझे यही विजन आ रहा है कि लॉयन चलता जा रहा है, और उसके बाद में मुझे दिखाई दिया कि उसका किसी से अचानक से झगड़ा हो गया, बहुत जोर का झगड़ा हो गया, और इन सारी चीज़ों में उसे पैर में मोच भी आ गई, चोट लग गई, यानी जख्म दिखाई दे रहा है, जैसे पैर की स्किन पूरी निकल गई हो, खून बह रहा है। उसने किसी को उठा के पटक दिया, बाल खींच रहे हैं, यानी बहुत जोरों की फाइट हुई है वहाँ पे। उसके बाद उसने मुझे ये भी दिखाया कि कोई पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, और उसकी एक टहनी पे बैठा हुआ है। वो पेड़ शीरीष का पेड़ होगा शायद से, उसका जो टेक्सचर है वो और कलर जो है वो मुझे उसी तरीके का दिख रहा था। और उस पेड़ को जैसे कॉरपोरेशन या फिर गवर्नमेंट कलर लगाती है सर्कल में, उस तरह का कलर भी लगाया हुआ था। और वो जो एरिया मुझे दिख रहा था, वो ना ही कोई रेसिडेंशियल एरिया है, ना मार्केट साइड का एरिया है, रोड दिख रहा है और बड़े पेड़ है दोनों साइड में, गाड़ियां भी है वहां पे, 2-व्हीलर से 4-व्हीलर से, ज्यादा भीड़ नहीं है लेकिन गाड़ियां है वहां पे। ऐसे एरिया में वो चला गया था। मुझे उसे बात करनी थी, क्वेश्चंस पूछने थे कि भाई आखिर वो कहाँ पे है, ये लोकेशन कहाँ का है, और बाहर क्यों गया है, 3 दिन से घर वापस क्यों नहीं आया है। तो उसने ये बताया कि उसका जो एरिया है, यानी उसका इलाका जो है, वो उसने पर्टिकुलर इलाका ये शब्द यूज किया था, वो सब कुछ उसका है, और उसकी टेरिटरी जो है वो बहुत बड़ी है, और उसने अपने खुद के दम पे वो बनाई है। और उसे ये पता चल गया कि वहां पे कोई और कैट्स आ गए हैं, मेल कैट्स, यानी जबरदस्ती घुस गए उसके टेरिटरी में, और वो पता चलने के बाद वो डायरेक्टली वहां पे चला गया उनको वहां से भगाने के लिए, क्योंकि एक मेल कैट की टेरिटरी में दूसरा मेल कैट नहीं रह सकता। जो पावरफुल रहेगा वही वहां का
यानी वही मैनेज करेगा उस टेरिटरी को, और जो वीक रहेगा या तो उसे छोड़ के जाना पड़ेगा या फिर अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और इसी वजह से वो चला गया था और उसका झगड़ा अभी भी चल रहा था। और उसने बताया कि 4 कैट्स वहां पे आ गए हैं और 2 का इंतजाम उसने पहले ही कर दिया और 2 अभी बाकी है, और जैसे ही सारी चीजें खत्म हो जाती है, काम हो जाता है, वो खुद घर वापस आ जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि वो गलती से कहीं पे गया है, रास्ता भटक गया है या फिर कहीं पे फंसा हुआ है या कोई उठा के लेके चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपनी मर्जी से गया है अपनी टेरिटरी को मेंटेन रखने के लिए, और जैसे ही काम खत्म हो जाएगा वापस आ भी जाएगा। उसने बोला कि ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत मामूली है, यानी किसी दूसरे कैट के साथ में झगड़ा हो जाना, मारपीट हो जाना, जख्म हो जाना या फिर ऐसे घर से बाहर रहना, ये सारी चीजें उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और ये चलता ही रहेगा। मैंने उससे पूछा कि फिर तुम खाते क्या हो? उसने बोला कि कुछ भी जो बाहर मिले शिकार कर लो और खा लो। तो उसने वहां पे छुपने के लिए कोई जगह भी ढूंढ ली थी, जैसे वो 24 घंटे बाहर ही रह रहा है, तो छुपने के लिए कोई छोटी जगह ढूंढ ली, जैसे छोटे छोटे पौधे है वहां पे वो छुप सकता है ताकि कोई और उसे देख ना सके, जैसे डॉग है या फिर दूसरे कैट से या फिर ह्यूमन से कोई देख ना सके, और जैसे कोई कैट आ गया डायरेक्टली उस पे ये अटैक कर देगा। और उसने इसीलिए यही बताया कि वो सेफ है, यानी कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब रही बात उसके वो लॉयन का विजन दिखाने की, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है कि उसे लगता है कि वो लॉयन है, लॉयन जितना पावरफुल है और वो जंगल का राजा है, उसी तरीके से वो उस बड़ी सी उसकी टेरिटरी का राजा है, और उस टेरिटरी में जितने भी शिकार आते हैं, जितनी भी फीमेल कैट्स है, हर चीज पे इसका कंट्रोल रहेगा, वो सब कुछ उसी के अंडर आएगा और यहाँ पे दूसरा कोई और नहीं आ सकता। यानी वो खुद को उतना पावरफुल मानता है कि वो लॉयन ही है, इसलिए मुझे उसने विजन दिखाया कि वो लॉयन है और झगड़ा कर रहा है, मारपीट चल रही है। अब है तो वो नॉर्मल कैट ही, लेकिन उसे लगता था कि वो लॉयन है, और है भी वो ऐसा क्योंकि उसके बिहेवियर में कोई भी डर दिखाई नहीं दे रहा है, पूरी तरह से स्टेबल है, कॉन्सेंट्रेटेड है, डिटरमाइंड है, और जैसे कुछ आता है इमिडिएटली वो अटैक करेगा, इतना फोकस्ड है वो। यानी कोई गलती नहीं होगी, कोई चूक नहीं होगी, कुछ भी चीज उसकी नजर से छूटेगी नहीं। तो ये सारी चीजें मैंने उनके पेरेंट को बता तो दिया कि ये ऐसा ऐसा हुआ है और वो वापस आ जाएगा। तो उनका इमिडिएटली मुझे रिप्लाई आ गया कि हाँ, ये मेरी गलती है कि मुझे बचपन से ये लगता था कि मुझे घर में सिंह पालना है, लॉयन पालना है, और मैं उसे प्यार से वही बुलाती भी थी। यानी अब ये सारी चीजें ना मुझे उन्होंने पहले बताई थी और ना ही मुझे फिनिक्स ने बताई थी, लेकिन फिनिक्स ने वो विजन दिखाया था कि वो खुद को लॉयन समझता है, और पेरेंट का भी ये कहना था कि वो उसे उसी नाम से बुलाते हैं। तो शायद ये कहीं पे उन्हें बुरा लगा कि शायद मेरे ये बुलाने से उसे ऐसा लगा हो, या फिर वो अभी दूसरे किसी कैट को मारेगा या फिर दूसरे किसी को हार्म करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर किसी को उनकी अपनी जिंदगी दी हुई है। कम्युनिकेशन हो गया और रात निकल गई, और दूसरे दिन ये बंदा हाजिर हो गया, अपना सारा काम निपट के वो हाजिर हो गया। सबका काम तमाम करने के बाद में मुझे मैसेज आ गया कि भाई वो आ गया है, और हाँ, उसके पैर में कुछ हुआ है, जख्म हुआ, यानी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन शायद अंदर से उसे कुछ लगा, उसके पैर में दर्द है, मोच आ गई है। अब हमारी नजर में वो मोच है, लेकिन उसे लगा कि शायद पूरी स्किन निकल गई है, जैसे छिल गया है और अंदर की हड्डी दिख रही है, इस तरह का जख्म हुआ है, ऐसा उसका परसेप्शन था और उस तरह से उसने मुझे दिखाया। तो ये भी वापस आ गया। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगी, हर पेट की जिंदगी अलग होती है, उसका बाहर जाने का रीजन अलग होता है। अगर वो वापस आना चाहता है, अभी यहाँ पे वो वापस आना चाहता था इसीलिए आ गया। बहुत बार पेट श्योर नहीं होते हैं, कई बार नहीं आना है बोलते हैं, उन सारे केसेस
को देख के ही हम लोग आगे की कुछ मूवमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसे लगा है, और अगर आप लोग अपने पेट से बात करनी है या फिर आपको सीखना है कम्युनिकेट करना, क्योंकि अभी ओपनिंग्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए ओपनिंग स्टार्ट है, तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं नवम्बर बैच के लिए। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे है। तब तक आप अपना सबका ख्याल रखिएगा। तम सो मच ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।